केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कृषक न्याय योजना को लेकर तंज कसा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस की कृषक न्याय योजना पुरानी है। पिछली बार भी इन्होंने किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर झूठे वादे किए थे। इस बार भी ये झूठ बोलकर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कटनी के बरही में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजय राघवगढ़ में प्रस्तावित श्री हरिहर तीर्थ स्थल पहुंचकर निर्माण होने वाले मंदिरों और प्रतिमाओं का जायजा लिया। उनके साथ स्थानीय विधायक संजय पाठक भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने दोबारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करने को लेकर कहा कि कांग्रेस की पहली भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई और दूसरी भी फेल हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस ये न सोचे कि उसने कर्नाटक जीत लिया तो देश जीत लिया। एक स्थान की जीत से दूसरे स्थान की जीत निर्धारित नहीं की जा सकती। भाजपा विधानसभा चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में सभी जगह भाजपा ने जीत हासिल कर ली। पहली यात्रा भी फेल हो गई, ये वाली यात्रा भी फेल हो जाएगी। किसी स्थान पर जीत से दूसरे राज्य की तुलना नहीं की जा सकती। पिछले बार हम मध्य प्रदेश राजस्थान में हार गए थे, छत्तीसगढ़ में हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सब सीटें हम ही जीते। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मणिपुर मामले को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध पर कहा कि सरकार मणिपुर मामले को लेकर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, इसलिए वो घबरा रहा है और चर्चा नहीं कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 3 दिन का दौरा किया। वहां गृह मंत्री हिंसा से प्रभावित लोगों से मिले, साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत ही जिम्मेवारी के साथ ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता दोनों को पत्र लिखकर कहा है कि आप लोकसभा में आइए और चर्चा करिए, लेकिन विपक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं है। विपक्ष में घबराहट है, उनको मालूम है कि सरकार जो कुछ कर रही है उसके आधार पर वो विपक्ष को छील देगी और विपक्ष नग्न हो जाएगा, इसलिए विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।